ठंड में पांच गरीब बहू का घास का ससुराल। माँ अपने पांचों बहू बेटों का स्वागत तो कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे छोटे से खाली घर में पांचों बहुओं के कदमों की छनकार जो सुनाई देगी। बिल्कुल ठीक कहती हो अंजना, हमारी बहुएं कितनी अच्छी हैं, कोई घमंड नहीं है इतने बड़े अमीर घर से आने के बावजूद भी। बेटी तुम रह तो लोगी ना यहाँ पर सही से, बहुत छोटा सा घर जो है तुम्हारे बंगले के आगे। आप सब निश्चिंत रहिए, हम बिना किसी शिकायत के इसे अपना घर मानकर सहजता से रह लेंगे। ये हुई ना संस्कारी सादगी बहू वाली बात। वैसे माँ जी दियो की सजावट बहुत अच्छी लग रही है, अपनी बहुओं के लिए इतना तो करना ही था। आओ बहू घर में आओ, दाएं पैर से कलश गिराकर आ जाओ, फिर तुम सबको कमरा दिखा देती हूँ। जल्दी करो माँ। आ जाओ, बड़ी जल्दी हो रही है तुम सबको बदमाश। पांचों बहू गृह प्रवेश करती हैं, फिर अंजना अपनी पांचों बहुओं को कमरे दिखाती है। इतने में दिए रखे हुए जगह पर पर्दों में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरे घर में आग फैल जाती है, जिससे घर में हड़कंप मच जाता है। आह माँ जी, माँ जी आग, आग लग गई आग। माँ जी बाऊजी यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी है, जल्दी से बाहर निकलिए। हे भगवान, मेरे सपनों का घर जल रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बच्चों बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो सब ध्यान से। ये क्या आग तो चारों तरफ फैल गई, दरवाजा गिर गया है, मुझे कैसे भी करके हटाना होगा, यहाँ आग फैली हुई है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। घर के सभी लोग डरे हुए थे, फिर पांचों बेटे कंबल ढूंढकर गिरे हुए आग की लपटों पर डाल देते हैं, जिससे आग की लपटें कम हो जाती हैं और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। फिर आसपास के लोग आकर पानी डालते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। बहुओं बेटों तुम सब ठीक तो हो ना, हजी आप ठीक है ना? हाँ हम सब ठीक हैं, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब सही है। इतने में मकान मालिक महेश आ जाता है, जो कि अपने जले हुए घर को देखकर गुस्सा होता है। ये क्या, मैंने तुम लोगों को ये घर रहने के लिए दिया था या जलाने के लिए, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? चलो 5 लाख निकालो वरना इस घर से दूर चले जाओ। अंकल जी आप ये क्या कह रहे हो, इतने पैसे, घर इतना भी नहीं जला कि आप पैसे मांगे, और आप रहने नहीं देंगे तो हम कहां जाएंगे? बस बात खत्म, अगर तुम लोग इतने पैसे नहीं दे सकते तो मेरे घर में रह भी नहीं सकते, निकल जाओ यहाँ से। नरेंद्र मकान मालिक के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन महेश एक बात उनकी नहीं सुनता और घर से निकाल देता है। इस बात से पांचों बेटों को बहुत गुस्सा आता है। ये जो भी हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ, आज तक इस घर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, पर हमारी पत्नियों के घर में प्रवेश करते ही इतनी बड़ी घटना हो गई, सबकी जान जा सकती थी। ऋषभ तुम कहना क्या चाहते हो, भगवान की दया से सब ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पांच मनहूस, ये सब इन पांच मनहूसों की वजह से हुआ है, इसलिए अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। बेटा ऐसा मत बोल, उन्होंने तुमसे अभी शादी की है। ठीक है आप ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं तो रह लीजिए अपनी पांचों बहू के साथ, हम शहर जा रहे हैं। पांचों बेटे एक बात नहीं सुनते और वहाँ से शहर चले जाते हैं। सास ससुर पांच बहू को हौसला देते हैं, वह चलते चलते जंगल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बहुओं मेरे बेटे ने जो किया है उसके लिए माफ कर दो, शादी की पहली रात थी, ऐसे संघर्ष करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बाऊजी, हम सब ठीक हैं, रह लेंगे, फिलहाल ठंड लग रही होगी आप लोगों को। माँ जी बाऊजी हमने शॉल पहनी हुई थी लहंगे के साथ, ये आप दोनों ले लीजिए। हाँ बाऊजी ले लीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, दिन होते ही हम कोई काम देख लेंगे और खाने का भी इंतजाम कर लेंगे। बहू तुम अपने अमीर घर वापस चले जाओ, हम रह लेंगे। नहीं माँ जी, हम आप दोनों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर सब जैसे तैसे पेड़ के सहारे सो जाते हैं। सुबह सूरज की लालिमा पड़ते ही पांचों बहू उठ जाती हैं। ठंड से कीर्ति और मौनी को छींक आने लगती है। अच्छू, लगता है सर्दी लग गई रात रात में। हाँ दीदी मुझे भी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है, माफ करना बहू, पहले दिन ही तुम्हारी ऐसी हालत है कि ससुराल में भी नहीं है, ऊपर से ठंड।
कोई बात नहीं माँ जी। दीदी, मैं और पायल दीदी आसपास के लोग से खाना मांग कर ले आए हैं, क्योंकि जंगल में हमें कोई फल नहीं दिखा। ये लीजिए, आप सब खा लीजिए। बहुत ठंड लग रही है, लकड़ी जला देता हूँ, तुम लोग को थोड़ा आराम मिलेगा। फिर विशाखा ससुर के साथ सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठा करके जला देती है, फिर वो सब लोग थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। फिलहाल तो हम जैसे तैसे रह लिए, लेकिन अब गुजारा कैसे करेंगे? न सिर पर छत है, न गुजारा करने के लिए कुछ और। माँ जी, बाऊ जी, वो देखे कैसे नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बना कर रह रही है। क्यों ना हम भी घास इकट्ठी करके कोई झोपड़ी बना लेते हैं। सूखी घास से घर छत देंगे और हरी घास से ऊपर लगा देंगे। अरे हाँ दीदी, ये तो बहुत गजब का आइडिया है। माँ जी, बाऊ जी, आप यहीं ठहरिए, अब हम पांचों बहू अपना कमाल दिखाते हैं। पांचों बहू ठंड में सिसक सिसक कर सूखी लकड़ी इकट्ठी करती हैं, फिर मेहनत मशक्कत से कुछ ही देर में घास की झोपड़ी बनाकर तैयार करती हैं और फिर हरी घास से उसे ढक देती हैं, जिसे देख सास ससुर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तुम पांचों ने चंद घंटों में अपनी मेहनत से घास का ससुराल तैयार कर दिया। हाँ माँ जी, आप अंदर तो चलिए, चूल्हा भी बनाया है मिट्टी का। दीदी, मैं तो कहती हूँ जब घास का ससुराल इतना अच्छा बना है तो इन्हीं घास से कुछ टोकरी, झाड़ू और जो चीज बन सकती है बनाकर बेचते हैं, कुछ तो गुजारा हो जाएगा। वाह, क्या गजब का आइडिया है, सुने ना। चलिए पहले आप सब घर के अंदर चलिए। फिर सब घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पांचों बहू ने घास के बिस्तर बनाए हुए थे। अरे बहू, ये घास के बिस्तर क्यों है? ताकि बाऊजी जमीन ज्यादा ठंडी ना लगे। मैं तो धन्य हो गया ऐसी बहू पाकर। फिर पांचों बहू घास इकट्ठे करके झाड़ू, टोकरी इत्यादि बनाती हैं, जो कि बनती नहीं है। फिर अंजना उनकी मदद करती है, जिससे वो आसानी से बना लेती हैं। अरे वाह माँ जी, देखिए आपके बताने से हमने कितनी जल्दी बना लिया। आप यहीं रहिए, हम बाजार से होकर आते हैं। इतनी गरीबी आ गई है, इतनी देर से कुछ नहीं खाया, ऊपर से ठंड। जल्दी आना बहू, उफ ठंडी आ गई। ठिठुर ठिठुर कर सास झोपड़ी में जाकर अपने पति के साथ सूखी घास में दब कर रहती है, जिससे ठंड कम लगे। वहीं पांचों बहुएं बाजार जाकर घास की बनी चीजों को बेचती हैं। आइए आइए, सस्ते दाम पर घास की बनी चीजों का उपयोग करिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, और ये टोकरी पायदान भी। ऐसा करो, मुझे दे दो, मैं इससे अपना घर सजाना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, लीजिए। दो बहू बैठकर तो तीन बहू घूम घूम कर सामान को बेचती हैं, जिससे शाम तक वह थोड़े बहुत पैसे कमाकर राशन घर ले आती हैं और खाना बनाती हैं। आहा, बाप रे बाप, शाम को तो और ठंड बढ़ गई है। माँ जी, बाबू जी, सरसों का साग, मक्के की रोटी बनाए चूल्हे की खाकर देखिए। हाँ माँ जी, बाबू जी, आपको बहुत मजा आएगा और गर्माहट भी मिलेगी। देख रही हो ना अंजना, हमारे बेटे हमें कैसे छोड़कर चले गए थे, और हमारी बहुएं कितनी प्यारी हैं, जो हमारा ख्याल रख रही हैं। जी वो तो है, अपने ही चोट देते हैं, भला मेरी बहू का क्या कसूर था। खैर छोड़िए। इस तरह वह सब शांति से बैठकर ठंड में गर्मा गर्म खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, पांचों बहू जैसे तैसे मेहनत करके ठंड में घर का खर्चा चलाती हैं, जिससे वो एक एक स्वेटर सबके लिए ले आती हैं। पर बहुत दिनों से नरेंद्र और अंजना को अपने पांचों बेटों की याद आती है, तो वह भावनाओं में बहकर कहते हैं, अंजना ये क्या हो गया, अभी तक हमारे पांचों बेटे नहीं आए। सच में ये पांचों बहू ही गुनहगार है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, इनके साथ नहीं रहना अब। बाऊ जी, माँ जी, ऐसा मत कहिए, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? हमें नहीं पता। सास ससुर घर छोड़कर जा ही रहे थे कि इतने में उसके पांचों बेटे आ जाते हैं, जिन्हें देख सबकी आंखें भर आती हैं। माँ, बाऊ जी, हमें माफ कर दीजिए, तुम दोनों भी हमें माफ कर दो, ऐसे हालत में सबको छोड़कर चले गए। लेकिन हमें वक्त रहते ही एहसास हो गया, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से सबको बेसहारा कर दिया। लेकिन अब हम आपको ऐसे रहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, हम एक छोटा सा घर खरीद लेंगे। हमें माफ कर दो तुम पांचों, जो शादी के पहले दिन ही हमने ऐसा किया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिए हमने माफ कर दिया।
इस तरह सास ससुर और पांचों पति अपनी बहुओं से माफी मांग लेते हैं, जिसके बाद वह एक छोटा सा घर लेकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और पांचों बहू घास से बनी चीजों को बनाकर बेचना जारी रखती हैं। गंवार और मॉडर्न बहू की पहली सुहागरात। माँ, आपको मेरी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? मुझे तो तेरी शादी करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू लड़की भी तो कोई अपने ही जैसी बता। तू तो बस उस गंवार गांव वाली के पीछे पड़ गया है। माँ, चंपा भले ही गांव की है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और कौन कहता है कि गांव की लड़कियां बड़े घरानों की बहुएं नहीं बन सकती हैं? अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगा? देखो माँ, मैं नहीं जानता कि आप क्या बोलना चाह रही हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और चंपा से ही शादी करूंगा। मैं नहीं मानूंगी। अगर तुझे भी जैस्मिन की तरह ही कोई मॉडर्न सी लड़की पसंद होती तो मैं तेरी बात मान लेती, पर देखो माँ, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचकर मुझसे ये बातें बोल रही हो। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी शादी चंपा से नहीं करवाई तो मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लूंगा। उसके बाद चाहे जमाना कुछ भी बोले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। अपनी माँ से ऐसे बोलकर बॉबी वहां से चला गया। मिताली अपने बेटे की बात सुनकर समझ ही नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने अपने बेटे की बात मानकर एक गांव की लड़की से उसकी शादी करवाने का फैसला ले लिया। अब भगवान जाने कि मेरे घर में क्या होगा, लेकिन अपने बेटे की खातिर मुझे ये करना पड़ेगा। देखते ही देखते एक महीना गुजर गया और दोनों ही भाइयों की शादी का दिन आ गया। मिताली की एक बहू तो उसी की तरह बड़े और अमीर घराने से थी, लेकिन छोटी बहू चंपा एक गांव की सीधी सी लड़की थी। आजा मेरी बहू, तेरा इस महल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ, यहाँ आपकी दो बहुएं हैं। जानती हूँ, तू भी आजा मेरी गांव की बहू, तेरा भी मेरे इस महल में स्वागत है। हाँ सासू माँ, सही बोले हो, ये घर किसी हवा महल से कम नहीं लग रहा है। चंपा की बात सुनकर वहीं पास में खड़ी जैस्मिन हंस पड़ी। तुम्हें ये घर सच में महल लग रहा है? सो फनी। क्या हुआ, हम कुछ गलत बोल दिए क्या दीदी जी? व्हाट द हेल, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी दिखाई देती हूँ? अब आप हमारी जिठानी हो तो हम आपको थोड़ी सी तो इज्जत देंगे ही ना। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, मुझे कोई ऐसे इज्जत नहीं चाहिए। अरे अरे, अब तुम दोनों यहीं पर खड़े होकर ये बातें बनाती रहोगी क्या? अंदर आओ। दोनों बहुएं अंदर आ ही थी कि तभी बॉबी का फोन बजा। हाँ बोल। क्या, अभी आना पड़ेगा? चल रुक, मैं आता हूँ। क्या हुआ बॉबी? माँ, वो एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। आज रात मैं घर से बाहर ही रहूंगा। क्या? मुझे माफ कर दो चंपा, मैं आज की रात तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कोई नहीं, माँ तुम्हें हमारा कमरा दिखा देंगी, तुम आराम कर लेना। चलता हूँ माँ। अरे बेटा, ये शेरवानी तो बदल ले। कोई नहीं माँ, मैं अपने दोस्त से कपड़े ले लूंगा। अभी कपड़े बदलने का समय नहीं है, काम के सिलसिले में एक इमरजेंसी आ गई है। ऐसे बोलकर बॉबी घर से चला गया। अब बेचारी चंपा बॉबी के बिना अकेली पड़ चुकी थी। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाकर आराम कर। सासू माँ, मेरा कमरा किधर है? मुझे भी मेरे कमरे तक ले जाइए। मैं क्या तुझे तेरी नौकर दिखाई दे रही हूँ? क्या खुद चली जा अपने कमरे में। लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम। ऊपर सीढ़ियों से लेफ्ट मुड़ जाना, बस वहीं मेरे बॉबी का कमरा है। जी। ऐसे बोलकर चंपा सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, पर अरे चंपा, जी कहकर तो आ गई, लेकिन तुझे तो पता ही नहीं होवत है कि ये लेफ्ट राइट क्या होवत है, अब तू क्या करेगी। चंपा ऐसे ही बोलते हुए अपना कमरा ढूंढने लगी कि तभी उसे एक कमरा सजा हुआ दिखाई दिया। शायद यही कमरा हमरा है। चल चंपा, आखिर तुझे तेरा कमरा मिल ही गया। चंपा उस कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसने घूंघट किया हुआ था। कुछ देर बाद एक आदमी आया। अरे बॉबी जी, इतनी जल्दी आ गए? अरे मेरी चमेली, मेरी प्यारी पत्नी, तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही हो, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। ऐसे बोलते हुए उस आदमी ने चंपा का घूंघट उठा दिया और आ, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो चंपा? जी जी, ये आपका कमरा है। उन दोनों की आवाज सुनकर बाथरूम से जैस्मिन निकल कर आई। क्या हो रहा है यहाँ? जान देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे लगा कि ये तुम। चुप कीजिए आप। चंपा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो?
जेठानी जी देखिए, हमरा आपकी सुहागरात में टांग अड़ाने का कोनो इरादा नहीं था। हम तो बस अपना कमरा ढूंढ रहे थे और हमें लगा कि यही हमरा कमरा है। भगवान कसम, अनपढ़ गवार, कम से कम इन डेकोरेशन वाले बलून से ही पता लगा लेती कि किसका नाम लिखा हुआ है। मेरा तो सारा सुहागरात का मूड ही खराब कर दिया। हमको माफ कीजिए। अब क्या सारी रात यहीं रहने का इरादा है? जाओ अपने कमरे में। वो किधर है? मेरे कमरे के लेफ्ट में है। अब जाओ भी। चंपा जैस्मिन के कमरे से निकल आई। चंपा लेफ्ट राइट नहीं जानती थी। जैस्मिन के कमरे की एक साइड टॉयलेट था और दूसरी तरफ बॉबी का कमरा। चंपा लेफ्ट जाने के बजाय राइट में चली गई। शायद ई हमरा कमरा हो। चंपा ने टॉयलेट का गेट खोल दिया और वो टॉयलेट में जाकर बैठ गई। ये कुर्सी कितनी अजीब सी है, इस पर बैठ कर तो आराम भी नहीं मिल रहा है। ये बॉबी जी कैसे कमरे में रहते हैं? ये जेठानी जी के कमरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारी शादी की किसी को भी खुशी नहीं थी? चंपा ऐसे खुद से ही बातें करती हुई टॉयलेट में ही सो गई। एक तरफ जैस्मिन की शादी की पहली रात थी जिसे वो अपने पति के साथ मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी चंपा टॉयलेट को ही अपना कमरा समझ रही थी। अगली सुबह बॉबी बहुत ज्यादा जल्दी ही काम पर से लौट आया। अभी तो कोई घर में उठा भी नहीं होगा, चलो चंपा को जाकर सरप्राइज कर देता हूँ। बॉबी जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा जहां पर उसे कोई भी नहीं मिला। अरे ये चंपा कहाँ है? चंपा, चंपा, क्या वो बाथरूम में है? बॉबी ने काफी देर चंपा का इंतजार किया लेकिन चेक करने पर पता चला कि चंपा तो बाथरूम में भी नहीं थी। चंपा कहाँ गई? चंपा, चंपा, बॉबी आवाज लगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसकी आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई और भाभी भी कमरे से निकल आए। क्या हुआ देवर जी? भाभी, चंपा कहीं नहीं मिल रही है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? नहीं तो। ये कहाँ चली गई? चंपा, चंपा। क्या बात है बेटा, क्यों उस गवार का नाम पुकारे जा रहा है? मैं जानता हूँ माँ, जरूर आप लोगों ने ही मेरी भोली भाली चंपा के साथ कुछ किया है। चलिए बताइए कि क्या किया है आपने चंपा के साथ? तू पागल हो गया है? हम भला उसके साथ क्या करेंगे? और हो भी तो सकता है कि वो गवार किसी के साथ रातों रात ही मौका देखकर भाग गई हो। चुप कीजिए आप, मेरी चंपा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। देवर जी परेशान मत होइए, चलिए हम चंपा को मिलकर ढूंढते हैं। सभी चंपा को ढूंढने लगे। बॉबी बहुत ज्यादा परेशान था। ढूंढते ढूंढते ही बॉबी ने टॉयलेट का गेट खोल दिया जहां पर उसे आराम से सोती हुई चंपा दिखाई दी। चंपा? कौन बोला? अरे बॉबी जी आप कब आए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ कुछ मत बोलो, बाहर आओ। बॉबी ने चंपा को बाहर बुला लिया और चंपा को बताया कि वो उसका कमरा नहीं बल्कि टॉयलेट है। हम क्या करते, सब हमें ही लेफ्ट राइट बताए जा रहे थे, हमको कोनो समझ नहीं आया तो हम इधर आ गए। जानते हो बॉबी जी आपके बिना हम इधर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। रो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। माँ भाभी जी देखा आपने मेरी चंपा की नादानी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको परेशानी ना हो इसीलिए मेरी पत्नी ने पूरी रात टॉयलेट में गुजार दी। आपको चंपा को हमारे घर के बारे में बताना चाहिए था, ऐसे उसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाना था। चंपा की नादानी से जैस्मिन और मिताली का दिल भी पिघल गया। मुझे भी अब बहुत दुख हो रहा है, इस बेचारी ने पूरी रात ही टॉयलेट में बिता दी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अब से ध्यान रखूंगी और तुझे हमारे घर के तौर तरीके भी सिखाऊंगी। बड़ी बहू तू भी अपनी देवरानी को समझाना। अपनी सास की बात सुनकर जैस्मिन ने भी गर्दन हिला दी। अब से मिताली और जैस्मिन हर छोटी छोटी चीज चंपा को समझाती थी। चंपा दिमाग से तेज थी तो वो जल्दी ही सब कुछ समझ भी जाती थी और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।